नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दोपहर की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। राजनीति के गलियारों में शोक की लहर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक, बजट की रूपरेखा तैयार करने पर होगा विचार। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। वाराणसी से चलकर गाजीपुर, पटना, सिमरिया, मुंगेर और साहिबगंज से गुजरेगा गंगा विलास क्रूज। बता दें कि इस क्रूज के अंदर है 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर राजनीति के गलियारों में शोक की लहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शरद यादव के घर पहुंचकर किए उनके अंतिम दर्शन। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से घरों में आई दरार से लोग परेशान। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक डूब सकता है पूरा जोशीमठ। जोशीमठ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। महाराष्ट्र के नासिक सिरडी राजमार्ग पर बस ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत, कई यात्री हुए घायल, मुआवजे का ऐलान। महादई नदी विवाद निपटारे के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। बता दें कि गोवा और कर्नाटक महादई नदी की धारा को मोड़ने को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी दिल्ली में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बता दें कि संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। 217 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएसएल निदेशकों के परिसरों पर सीबीआई ने की छापेमारी, 1.99 करोड़ रुपए किए गए जब्त। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी अनियंत्रित कार, कार में आग लगने से 3 की जलकर मौत। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल विवाद थमने का नहीं ले रहा है नाम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग। भारत के भगोड़े व्यापारी मेहुल चौकसी की करतूत आई सामने। सूत्रों की माने तो प्रत्यर्पण से बचने के लिए मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के कई अधिकारियों को दी है रिश्वत। दूसरा वनडे मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने 3 वनडे मैच की सीरीज पर किया कब्जा। अब 15 जनवरी को खेला जाएगा इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच। दिवंगत अमेरिकी एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली की इकलौती बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। तो ये थी दोपहर की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।